हॉस्पिटल बाहर इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है ना, अंदर तो नॉर्मल हो रहा है। बहन साहब पधार रहे हैं अपने अपने वाहन में, अपने वो हाथी में, हाथी में बैठ के चलते हैं ना राजा, हाथी घोड़ों में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। पहला मेरे से सारे छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, उससे भी ज्यादा प्यार। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घर में स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मस्त हो गए। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। तो व्लॉगिंग गाड़ी से हमने स्टार्ट कर दी क्योंकि सुबह से हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था, ठीक है। तो क्या कहते हैं, बिल्कुल भी वो इसीलिए क्योंकि हपड़ तपड़ हो गया था, इसीलिए आज क्योंकि डॉक्टर हॉस्पिटल से अचानक से कॉल आया और हमें बुलाया कि बोला गया कि बेबी को हमें सीधे पुत्री बेबी को हमें लेकर आना है उधर। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ ना टाइम टू टाइम बेबी का ना चेकअप और वेट चेक किया जाता है। अगर बेबी अंडर वेट आया, जैसे आज इसका वेट चेक किया जाएगा, अंडर वेट आया जिस हिसाब से है भी, जैसे वन हफ्ते का है तो वन हफ्ते का वो बैलेंस लगाएंगे कि कितना वेट होना चाहिए बेबी का। अगर उससे अंडर आया तो फिर हमें डांट पड़ेगी या तो फिर ज़्यादा ही ऐसे रातों कंप्लेन जाती है। अगर सब चीज़ ओके है तो फिर यानी तुम अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल कर रहे हो, यानी कि अगर अंडर वेट निकला तो माँ बाप अच्छे से देखभाल नहीं करता, यहाँ की सोच ऐसी है। तो देखो आज इसका टेस्ट होगा और क्या निकलता है, और अंडर वेट आता है कि डांट पड़ती है कि क्या होता है, वो अभी हमें पता चलेगा हॉस्पिटल जाने के बाद ही। और साथ ही साथ में आज मेरी मतलब वहाँ ना क्लास भी है, जैसे यहाँ ना ब्रेस्ट फीडिंग की ना क्लास दी जाती है, आप मतलब वन मंथ तक ले सकते हो और टू वीक तक, स्टार्टिंग के टू वीक्स तक फ्री है। तो मैंने बोला क्योंकि जब तक इसका टेस्ट होगा मैं वैसे भी बैठे रहना है, क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया जाए। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो उन्होंने बोला था कि क्लास ले लेना इससे मिलती है, तो हम लोग चलो फ़ायदा उठा लेते हैं और क्लास ले लेते हैं। फिलहाल पुत्री बीबी यहाँ पे बगल में अपनी कार सीट में आराम से बिल्कुल बैठी हुई है, क्योंकि सोकर तो आए, सुबह उठते उठते हम लोग इसको लेकर आ रहे हैं फटाफट, तो अभी नींद पूरी हो रही है शायद, तो अभी सो रखी है यहाँ, मतलब उठ रखी है आँखें खोल के, बस नज़ारों के मज़े लेते हुए, पीछे से नज़ारों के मज़े लेते हुए आ रही है ये। तो चलो चलते हैं हम लोग क्लास की तरफ, एक चक्कर में दिखाती हूँ इसको। गाइस यहाँ पे है हमारी छोटी पुत्री, तो आप देख सकते हो हम लोग पूरा पैक करके ले जा रहे हैं इसको, पूरा पैक करके इसको ले जा रहे हैं क्योंकि बाहर ठंडा बहुत हो रहा है। तो पूरा जितना सेफ्टी हम लोग बरकरार रखें ना, मतलब जितना सेफ्टी से रखें इसको, क्योंकि अगर एक बार ठंड पकड़ गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ तो ना डायरेक्ट पता है मेडिसिन भी नहीं देते हैं, कम से कम बोला कि 5-6 दिन तक चेक करेंगे, तुम्हें बुलाएंगे एक एक दिन छोड़ के, अपॉइंटमेंट देंगे, अगर बढ़ता रहा कम नहीं हुआ फिर जाके तुम्हें 5-6 दिन बाद मिलती है, मतलब 5-6 दिन तक बच्चा वैसे ही ठहरा। और यहाँ तो हमारे वहाँ ऐसा भी नहीं, बैक होम में तो झाड़ फूक वो वाला मतलब घर के नुस्खे वाला कर लेते हैं ना, कभी कुछ आयुर्वेदिक वाला, मगर यहाँ तो हम वो भी ट्राई नहीं कर सकते हैं और होती भी नहीं है, कहाँ से क्या ट्राई करें। तो चलो हम लोग निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि गाड़ी बहुत हिल रही है ना, तो हॉस्पिटल में जाके बनाते हैं वीडियो। हम लोग पहुँच गए हैं हॉस्पिटल, बाहर इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना, अंदर तो नॉर्मल हो रहा है। तो ये स्ट्रॉलर में हमने रख दिया, ओके। तो अब हम पुत्री बीबी को देखते हैं, बाहर ठंडा हो रहा था, हम पूरा कवर करके ही लेकर आए। और ये चली गई अपने बैग लेने, क्योंकि स्ट्रॉलर को यही लेकर आए ना पकड़ के, अभी लेने चले गए अपना बैग और हम इनको इसको लेकर जाने लग गई हूँ, क्योंकि ये बोल रहा है मैं रजिस्टर करवा के आता हूँ तब तक, जहाँ हमें मेन जाना है। तो मैं इसको पकड़ के सीधे जा रही हूँ, तो तब तक जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक ये भी आ ही जाएंगे रजिस्टर करवा करोगे, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। इसीलिए आवाज़ आ रही नहीं आ रही पता नहीं, मैंने मास्क नीचे कर लिया। तो आप देखो ये रजिस्टर करवा के आते हैं और हम लोग यहाँ जा रहे हैं, तब तक वेट कर लेंगे, तब तक ये भी रजिस्टर करवा के आ जाएंगे। तो फिलहाल आज भी हमें न्यू बॉर्न वाले में ही जाना है। तो पहुँच गए हम, ये क्लिनिक 3 में जाना था इधर, तो यहाँ पे आके अब हम लोग वेट करते हैं इनका। पहुँच गए हम लोग रूम में, तो बस अब हम लोग ना नर्स का वेट कर रहे हैं कि कब आएगी। ये देखो कितनी क्यूट क्यूट सी ड्राइंग बनाई हुई है ना बेबीज़ की। तो ये है रूम एक्सेप्ट दिस वन, इसको छोड़ के और सारी अच्छी हैं। तो यहाँ पे ये दिन भर देख के भी इनको निहारना, इनका वो नहीं हो रहा है, खत्म है। दिन भर देख देख के भी हाँ हुआ है, क्योंकि थोड़ा ना गर्दन अर्दन देखो कहीं यहाँ वहाँ वो ना कर रहा हो ज्यादा। तो पहले हम लोग न्यू बॉर्न वाला वो लेते हैं, उसके बाद मुझे ब्रेस्ट फीडिंग वाली दोनों अपॉइंटमेंट है हमारी, तो उसके बाद फिर वो करेंगे न्यू बॉर्न में, पहले इसका यहाँ चेकअप करवा लेते हैं। One hour later. So guys, यहाँ पे हमारा हो गया है, तो इसका टेस्ट हुआ, तो सब चीज़ ठीक है। तो अब हमें
यहाँ तो आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं और हॉस्पिटल से अगर कॉल आया तो दूसरी जगह इन लोगों ने वो कर रखा है जहाँ टेस्ट होंगे, मगर यहाँ हमें कुछ आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अभी आज मेन था पीलिया का था तो सब चीज़ ठीक था, मतलब पीलिया इलिया जो था तो नहीं था, तो अच्छी बात है ये। तो और मेरी ब्रेस्ट फीडिंग की क्लास भी हो गई तो नहीं लगाया, मैं खाली रैप करके आई क्योंकि क्लॉथ्स यहाँ इसके क्लॉथ्स थे याले का रूम में थे, तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मैं दूसरे रूम में गई थी। तो मैंने सोचा कि अगर फिर से यहाँ आने की ज़रूरत पड़ती फिर मैं दूसरी अपॉइंटमेंट लेती, मगर अब आने की ज़रूरत नहीं है इधर, तो फिर नहीं ली मैंने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। ओके हूँ अब तो आ गया समझ में सब चीज़। और साथ ही साथ में वेट भी इसका थोड़ा सा, मतलब वेट ठीक हो रखा है, मतलब जितना होना चाहिए उतना है तो घट नहीं रखा है, यानी ओके है, तो सब चीज़ ठीक था। तो अब डांट आंट कुछ नहीं पड़ी, हमें घर ही जाना है। तो अभी अब इसको ना कपड़े वपड़े पहना रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर हम लोग घर जाते हैं। तो मुझे क्योंकि थोड़ी सी भूख भी लग गई, हम लोग फटाफट आए थे तो ज़्यादा खाना नहीं खा के आए सुबह, मतलब एक डेढ़ रोटी खा के आई मैं, तो अब मैं फटाफट जाती हूँ। मतलब यहाँ पे अब उन लोग को क्या पता चलता है ना, जैसे मैं ना क्लास ले रही थी ब्रेस्ट फीड की, तो वहाँ पे एक लेडी थी, तो उनकी एक ना एक के बच्चे के मतलब ना पीलिया निकल गया था, वो रो रही थी। तब उसने फिर मतलब वहाँ पे क्या था ना, चार पांच औरतें थी तो वो पूछ रहे थे मतलब कि तुम लोग क्या करते हो क्या करते हो, मतलब सजेशन अपनी तरफ से कुछ होता है। तो फिर मैंने भी ऐसे सजेस्ट किया, तो हमारे उसमें तो ऐसा होता है कि ना ऑयल अवॉइड करो और बाहर का जंक फूड, और जैसे अगर टर्मरिक यानी हल्दी तुम अवॉइड करो। तो हमारे क्योंकि हमारे वहाँ तो ऐसा ही किया जाता है, इन लोग को यहाँ नहीं पता, तो मैंने अपनी तरफ से आइडिया दे दिया था। तो ऐसे ऐसे वहाँ मतलब ना सारी औरतें जो मदर्स अलग अलग औरतें थी, हम लोग गए तो फिर ना एक दूसरे के साथ शेयर करी थी। सबसे पहले तो मैं गई तो फिर सब लोग ने अपना अपना इंट्रो दिया, अपना और बेबी का नाम बता रहे थे। उसके बाद फिर सब लोग अपनी अपनी तरफ से बता रहे थे कि हम लोग ऐसे करते हैं करके, मतलब किसी को कोई सपोर्ट कर रहा था, किसी को कोई सपोर्ट कर रहा था, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स थे तो किसी के आ रखे थे, तो ऐसे ऐसे करके। मतलब इंडियन में ही थी, कोई चाइनीज़ और गोरे ऐसे ही थे मोस्टली, चार पाँच फैमिली, तो अपनी अपनी तरफ से आइडियाज़ दे रहे थे। तो चलो लेट भी बहुत हो गया है, ये इसको अभी रैप कर रहे हैं, उसके बाद मुझे पीनी है टिम हॉर्टन की कॉफ़ी। टिम हॉर्टन की कॉफ़ी पीता हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, उसके बाद सीधे निकलते हैं घर के लिए हम लोग। The next day. So hello guys, good morning आप सभी को। आज की vlogging हो रही है next day start. तो घर के बाहर से मैं start कर रही हूँ, ठंडा हो रखा है मौसम, मैं दिखाती हूँ। देखो धूप भी आ रही थी मगर आज मौसम साफ है, मगर अब ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई है। तो आज उस दिन हम लोग मम्मी यहाँ पे, तो उस दिन हम लोग सीधे आए थे तो हम लोग रेस्ट करने लग गए थे क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो आज हमें नेक्स्ट डे जाना है अपनी फैमिली डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि अब इसका जो भी वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीनेशन का जो कार्ड आर्ड बनाना है वो बनेगा, और जो नॉर्मल चेकअप होता है वो करेगी हमारी फैमिली डॉक्टर। तो आज फर्स्ट टाइम इसका वहाँ फैमिली डॉक्टर के वहाँ है, तो लेट्स सी, चलो चलते हैं, हमारा टाइम भी हो गया है। इसको ये लेकर आ रही हूँ अपनी कार सीट में बैठ के, महाराज हमारे आने लग गए हैं, शहंशाह पधार रहे हैं अपने अपने वाहन में, अपने वो हाथी में बैठ के चलते हैं ना राजा, हाथी घोड़ों में, अपने वाहन में सेनापति लेते हुए लेकर चल रहे हैं महाराज जी को हमारे हैं। मैं प्रजा हूँ, हाँ सही बात, जो पीछे से नाराबाजी करती है ना, नारा वो करते हैं महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, ये वो वाला है। तो मजाक बहुत हो गया, चलो चलते हैं हम लोग क्योंकि टाइम भी लगेगा, क्योंकि गायनो तो हमारे यहाँ 10 मिनट से दूरी में, फैमिली डॉक्टर कम से कम आधे घंटे का रास्ता है फैमिली डॉक्टर के यहाँ, तो चलो चलते हैं हम लोग फटाफट। सो गाइस यहाँ पे हम लोग आ गए और हमारा जो था काम वो भी हो गया, इसका तो बस वेट मेज़र किया और हेड और इसकी लेंथ हैंड चेक करी। मेन जो था हमारा था आज हमें लगी फ्लू वैक्सीन, राइट, मतलब क्योंकि अभी इसको इतनी जल्दी नहीं लग सकता और इसको तो सेकेंड मंथ में लगेगा, तो इसकी सेफर साइड के लिए इसलिए पेरेंट्स को लगा, तो इनको और मुझे लगाओ फ्लू वैक्सीन, ताकि मेरे थ्रू तो इस तक चले जाएगा, और ये भी मतलब हम दोनों ही सबसे नज़दीक इसके रहते थे, तो हम दोनों को लग चुकी है फ्लू वैक्सीन। और थोड़ा बहुत है मेरी कमज़ोरी, मतलब फ्रूट्स खाने को बोल रखा है मुझे, बीपी भी लो हो गया था, तो फिर मतलब थोड़ा है कमज़ोरी, तो मतलब फ्रूट्स खाओ, ये खाओ वो सब हो रखा है। तो अभी फ़िलहाल इसको हमने मतलब ये कर रहे हैं इसका, इसको कार सीट में पैक, दिखाती हूँ मैं, तो ये कार सीट में अभी पापा जी कर रहे हैं इसको पैक, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। तो देखो लेट्स सी, अभी थोड़ा एक दो जगह हमें काम भी है, थोड़ा सामान वामान लेकर आना है, इंडियन स्टोर भी जाना है, तो देखो अगर सही रहा तो चलेंगे, वरना लास्ट में हम लोग घर पहुँचा के यही जाएंगे, ठीक है।
देखते हैं कैसा होता है रास्ते में। तो चलो चलते हैं, निकलते हैं हम लोग यहाँ से फटाफट। सो गाइस यहाँ पे आ गए हैं हम लोग घर में। तो हम लोग जाने वाले थे सामान लेने, मगर ये हमें घर में छोड़ के ये चले गए सामान लेने। वो इसीलिए क्योंकि पहली बात तो पुती बीबी ने पॉटी कर दी थी, तो फिर हम लोग मतलब 2-3 स्टोर में काम था, तो फिर इसको वैसे ही पॉटी के साथ घुमाना। और हम लोग मेन ना हगीज़ तो ले गए थे और वाइप्स ले जाना भूल गए थे इसीलिए, और फिर इसको हर 2-3 स्टोर में जाना था तो घुमाना सही नहीं लगा हमें, इसलिए हम लोग सीधे घर आ गए। तो इसको ऐसे भी नींद आ रही थी तो हम लोग घर में ला के इसको सुला दिया। और ये गए हैं सामान, थोड़ा बहुत जो सामान लेकर आना था, तो मैंने चलो साथ में व्लॉग भी एंड कर देते हैं। इसमें कुछ इतना इनफ था नहीं व्लॉग में, तो मेन हमें हॉस्पिटल जाना था। और कभी कभार आजकल मेरे व्लॉग ऐसे मिसिंग हो जा रहे हैं, क्योंकि पता ही आजकल तो रातों की नींद ही उड़ लगी है, मतलब दिन भर में जब मौका मिल जाए ना मैं तब सो जाऊँ, वरना तो रात भर तो ऐसा ही होता है उड़ते रहो। मगर शुरू के 3-4 दिन प्रॉब्लम हुई थी, आजकल फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। जब ये सो गया तो तब हम भी सो जाते हैं। चलो आज का व्लॉग एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल में अभी तक नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो सबसे पहले। और हाँ, अपना ढेर सारा ब्लेसिंग्स और प्यार देना। तो मिलूंगी कल को नई दिन नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट।